आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। कानून मंत्री ने अदालतों में लंबित मामलों को लेकर जताई चिंता, कुछ महीनों में 5 करोड़ का आंकड़ा छूने की संभावना। महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक के लिए बस सर्विस रद्द की, सीमा विवाद के बीच पुलिस ने अलर्ट किया था। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आरबीआई को लिया आड़े हाथों, कहा अदालत चुप नहीं बैठेगी। दक्षिण के 3 राज्यों में चक्रवात मंडोस की चेतावनी, तमिलनाडु में भारी बारिश, उत्तर भारत में सर्दी बढ़ी। सीबीआई ने तेलंगाना सीएम की बेटी को समन भेजा, दिल्ली शराब घोटाले में होनी है पूछताछ, कविता बोली चुनाव से पहले बीजेपी ऐसी हरकतें करती है। लखनऊ में व्यापारी नीरज गुप्ता से लूट, बाइक सवार 2 बदमाशों ने की लूट की घटना को अंजाम, रुपए से भरा बैग लेकर हुए फरार। लखनऊ बाईपास चौकी इंचार्ज अविधेश सिंह ने अवैध शराब के साथ एक संदिग्ध युवक को पकड़ा। गोंडा में बेहोशी की हालत में मिला ज्ञात व्यक्ति का जहर खुरानी का शिकार होने की आशंका, एम्बुलेंस कर्मियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कराया भर्ती। हमीरपुर में धारदार हथियार से युवक की निर्मम हत्या, बोरी में बंधी मिली खून से लथपथ अज्ञात युवक की लाश, इलाके में मचा हड़कंप। कानपुर रोमिल सरकार की हत्या का मामले में पुलिस ने हत्याकांड में शामिल एक युवक और एक युवती को किया गिरफ्तार, लव ट्रायंगल से हुई थी हत्या। तालिबान ने पाक फौजी का सिर काटा, कत्ल के बाद सैनिक का शव पेड़ से लटकाया, लोगों से कहा जनाजे में शामिल ना हो। ईरान में 5 लोगों को मौत का फरमान, प्रदर्शनकारियों पर सैनिक की हत्या का आरोप, 3 बच्चे समेत 11 को जेल। नहीं कम हो रही है इमरान खान की मुश्किलें, पीटीआई चीफ पद से हटा सकता है चुनाव आयोग। रूस पर यूक्रेन का हमला, अमेरिका पर उकसाने का आरोप, बाइडेन के मंत्री बोले इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। ट्रंप की 2 रियल एस्टेट कंपनियां कर धोखाधड़ी की दोषी, टैक्स अधिकारियों के सामने झूठा रिकॉर्ड पेश किया। पुर्तगाल 16 साल बाद क्वार्टर फाइनल में, स्विट्जरलैंड को 6-1 से हराया। दस का चैंपियन स्पेन प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर, पेनल्टी शूट आउट में एक भी गोल नहीं दाग सका। पूर्व दिग्गज फुटबॉलर सैमुअल एटो ने यूट्यूबर को मारी लात, ब्राजील साउथ कोरिया मैच के बाद का मामला। ऋषिकेश कानिटकर इंडियन विमेंस टीम के बैटिंग कोच बने, रमेश पवार को एनसीए भेजा। रणजी ट्रॉफी में पहली बार अंपायरिंग करेंगी महिलाएं, इस सीजन के लिए शॉर्टलिस्ट पैनल में 3 महिलाओं के नाम। शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने अनाउंस की, फिल्म खुद लिखी है स्क्रिप्ट, बोले शूटिंग शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकता। मलाइका अरोड़ा ने फराह खान के साथ किया डांस, छैया छैया और मुन्नी बदनाम हुई पर जमकर लगाए ठुमके। राजनाथ कट ना छोड़ा, तारक मेहता उल्टा चश्मा पोस्ट शेयर कर दी जानकारी, कहा यह एक शानदार सफर रहा।
एक बार फिर रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ दिखी दिशा पाटनी, रेस्टोरेंट के बाहर हुई स्पॉट, ग्रीन ड्रेस में लगी ग्लैमरस। सारा अली खान ने शेयर किया वर्कआउट वीडियो, सर्दियों में जमकर बहाया पसीना, सोशल मीडिया पर फैंस ने की तारीफ। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।